ओके, तो अब हम मॉडलिंग करने वाले हैं स्टैड में स्फेरिकल कैप, जिसका डायमीटर लेना है स्फेयर का 7.5 मीटर, और बेस डायमीटर दिया हुआ है 5 मीटर, हाइट 0.95। हालांकि हाइट की जरूरत नहीं है फिलहाल, हाइट तो डिसाइड होगा उसमें, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मांगता है। लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब कितने डिवीजन इधर हैं, कितने डिवीजन इधर है, लेटिट्यूड के डिवीजन और लॉन्गिट्यूड के डिवीजन हमें काउंट करने पड़ेंगे। तो देखिए इधर कितने डिवीजन है, पहले हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिवीजन तो ऐसे हैं। और ऐसे कितने डिवीजन है ये चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये कॉम्प्लेक्स है, ऊपर चेक कर लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 डिवीजन ऐसे है, 10 डिवीजन ऐसे है। तो आइए हम स्टार्ट पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पे जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, फाइल का नाम डाल देते हैं स्फेरिकल कैप, फोल्डर, फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। हमारे नेक्स्ट, यहाँ से हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर विजार्ड रन करा लेते हैं अपना, फिनिश। अब देखिए स्ट्रक्चर विजार्ड में जाएंगे सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, इसमें हमें स्फेरिकल कैप डिक करना है। देखिए स्फेरिकल कैप पे क्लिक करेंगे, अब देखिए डिवीजन मांगा होता है, डिवीजन देखिए लेटिट्यूड में 10, वहाँ पे भी 10 बनाने हैं, लॉन्गिट्यूड में 20, तो यहाँ पे भी 20 ही है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ इसमें दिया हुआ था डायमीटर, बेस डायमीटर कितना है 5, बेस डायमीटर, डाया स्फेयर कितना लेगा 7.5 मीटर, ये बस देख देना था। अप्लाई, और यहाँ से हम करेंगे कट, वुड यू लाइक टू ट्रांसफर योर प्रोटोटाइप इनटू स्टैट प्रो, यस। लोकेशन फिलहाल हम लोकेशन 00 डाल देते हैं, ठीक है, बट ध्यान देने वाली बात है, ज्योमेट्री रन, अगेन हम मॉडल पे जाते हैं, सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। अब यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट जो लिया इसने, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट दिया हुआ, ये 0 0 पे सेट होगा, ओके, नो। ठीक है, अब देखते हैं, पहले हम इसका डायमेंशन चेक कर लेते हैं, बेस डायमेंशन 5 है कि नहीं ये देख लेते हैं, 5 है। हाइट, अब हम हाइट ऐसे चेक करेंगे तो गलत देगा, क्योंकि ये देखो 2.67 समथिंग मीटर बता रहा है, वो गलत क्यों, क्योंकि जब हम इसको 3D चेक करेंगे तो उसने यहाँ से यहाँ तक हाइट दिखाया, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। तो ये डायमेंशन तो मिल गया, अब हमें यहाँ की हाइट दिखानी है, तो 3D करते हैं, यहाँ से हाइट दिखानी है नीचे की, तो वो तभी दिखा पाएंगे जब हमें इसके जस्ट नीचे के पॉइंट, ये सबसे टॉप पॉइंट है, फ्रंट से देखते हैं, ये सबसे टॉप पॉइंट है ऊपर का, और ये सबसे बॉटम, तो अभी बॉटम पे उसके जस्ट नीचे कोई नोड नहीं है, यहाँ नोड है, यहाँ सेंटर में नोड नहीं है, इसलिए हम डायमेंशन तब तक नहीं दिखा पाएंगे जब तक हमें वो नोड नहीं मिलेगा, तो हमें नोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम नोड कर्सर जाते हैं, पहले एक नोड ये सेलेक्ट करते हैं, इसका बेस कितने पे है फिलहाल, ये देखिए एक्स में तो -2.5 गया है, वाई में क्या गया, 2.795, 2.795। अगर हम इस नोड की डिटेल देखें तो ये दिखा रहा है 3.7, मतलब कि ओरिजिन से ये 3.75 पे है। अब और ये वाई में 3.75 माइनस ये 2.795, ये जो माइनस करेंगे यही एक्चुअल में डिस्टेंस है, ठीक है। तो वाई का डिस्टेंस जो है 2.795, ठीक, ये बताओ बॉटम, अगर हम ये माइनस करते हैं डिस्टेंस,
ये डिस्टेंस जो टॉप डिस्टेंस है 3.75 से हम माइनस कर रहे हैं डिस्टेंस 3.75 माइनस इस नोड की डिस्टेंस 2.795 2.795 तो ये आएगा 0.955 ठीक 0.955 सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे 3D पे जाते हैं, इस नोड को सेलेक्ट करते हैं, इस नोड को हम एक नया नोड क्रिएट करते हैं, यहाँ से जाते हैं अपना, ये देखिए इसका ओरिजिन दिखा रहा है फिलहाल यहाँ पे और हमारा मॉडल पेस्ट हुआ है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जाएंगे, एक तो एडिट कर लेते हैं, एक्सजेड प्लेन ले लेते हैं, ओरिजिन हम मानते हैं 2.7 2. कैंसिल देखते हैं कितना था, हिस्ट्री में नहीं सही है क्या, 2.755 ओके। जो कि ये पॉइंट है, यहाँ हमने नोड जनरेट कर दिया, नोड सेलेक्ट करिए, ये देखिए ये नोड आ रहा है 0.275। अब फ्रंट व्यू पे जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को रोटेट करते हैं, अब इस ग्रिड का काम खत्म, ग्रिड को टाटा कर देते हैं, बाय बाय। अब हम यहाँ पे सारे नोड को सेलेक्ट करके देखते हैं हमारा नोड कहाँ है, डायमेंशन को भी करते हुए, अच्छा यहाँ पे भी हमने गलत किया, ये एक्चुअल में 2.795 था, हमारा नोड यहाँ क्रिएट हो गया। तो हम जाएंगे अगेन यहाँ एडिट 2.795 ओके। एडिट ओके, 3D मॉडल करते हैं, अब हम यहाँ नोड क्रिएट करते हैं, ठीक है अब इसको क्लोज करते हैं। अब आते हैं हम अपने फ्रंट व्यू पे, नोड पे आते हैं, ये देखिए एक नोड तो ये दिख रहा है, ये हमने गलती से क्रिएट किया था, और ये नोड अब थोड़ा रोटेट करते हैं स्ट्रक्चर को, तो देखिए ये नोड हमारे पास मिल चुका है फ्री। अब यहाँ से हम डायमेंशन चेक कर लेते हैं, इस नोड टू इस नोड 0.955 से इधर का डायमेंशन है 5, क्योंकि तो हमें ये बनाना था 0.95 मीटर और 2.5 इसका ये है रेडियस और डायमीटर है 5 मीटर, जो कि स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हो चुका है, डायमीटर ये है, ये रेडियस है, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर करेंगे, जॉब देना है, जॉब डिटेल दे दीजिए, करेंगे सेव, बढ़िया भाई, सुख से सेव।